जाती है विक्की, सुबह से रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, बहुत प्यार करता है ये विक्की से। अब जैसे मैं मम्मी भाई को ठगता हूँ, आप मारी है मम्मियों की दुनिया की। दोनों ले तो ले लें, कोई बात ना है, कोई बात ना, मेरा छोटा भैया। ये भी एक रीजन है मैं इतना भार क्यों जाता हूँ। सैंडी ये व्लॉग देखते ही अगर मेरे पास कोई टाइम का मैसेज नहीं आया। और अभी हम जा रहे हैं आज मंगलवार हनुमान जी के मंदिर। हाँ। अभी हम जो हमारा ऑफिस नया वाला ऑफिस है ना, उसके लिए डॉग्स के लिए वहाँ पे काफी सारे डॉग्स हैं, तो उनके लिए पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, छोटे छोटे पिल्ले हैं वहाँ पे, 10-12 है ना, उनको दूध पिलाएगा। और आज पेडिग्री का भी एक बोरी वहाँ रख रहे हैं, ले जाके एक बोरी। और अब गर्मी आ गई ना, तो जगह जगह चिड़ियाओं के लिए पानी पिलाने के लिए, चिड़ियाओं के लिए भी छत पे रखोगे ना? हाँ, एक छत पे, चिड़ियों के लिए तो एक दो जगह, हर जगह मैं अपनी गाड़ी में रखा करूंगी हम, और एक पूरी कैन भर के पानी की, जहाँ भी लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया है तो पानी भर के रख दे करूंगी। और आज रिकी जा रहा है वापस आउट ऑफ इंडिया, वो प्रैक्टिस करता है। और ये विक्की सुबह से रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है उसके लिए, ये उसे बहुत प्यार करता है। देखो आंख से लाल होने, सुबह से रो रहा है, बहुत रोया अभी, बहुत बहुत प्यार करता है ये रिकी से। इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है बचपन से ही, जब हम बताया कर रहे ना, इतनी बार बताया कि बचपन में अगर गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो क्या क्या बोलते जा रहे हैं, अगर 6-7 घंटे का भी रास्ता ना, इन्होंने मतलब बोलते ही निकाल दिया, चुप होने का नहीं मतलब लिया, तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है बचपन से ही इनकी। तो आज भी रिकी जा रहा था, सुबह से रोने में लग रहा, आंखें रो रो के लाल कर रही है, और ऐसा रोया मतलब फूट फूट के जो रोते हैं वो वाला रोया आज ये। मैंने नहीं देखा इसको इतना रोते कभी भी, लेकिन हाँ, लेकिन रिकी ने भी, रिकी की भी इसके साथ इतना अच्छा प्यार, दोनों भैया मस्त। रिकी भी ये कह रहा है कि मतलब मेरे बुलाने से नहीं आया, अपने पापा के बुलाने से नहीं आया, वो कह रहा अभी तो मुझे सालों प्रैक्टिस करनी थी ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि मैं विकी के लिए आ जाऊंगा, अभी ज्यादा से ज्यादा महीना है 15 दिन में वापस आ जाएगा, सिर्फ इसके लिए, हमारे कहने से नहीं आ रहा। अभी रिकी ने, विक्की ने कही उससे, तुझे जिंदगी दुनिया की सारी खुशी मैं यही दूंगा, तू मेरे पास रहे, बहुत बड़ी बात है। विक्की ने तो ये भी कह दे, तो मतलब कहीं मत जा, तू ऑफिस मत जा, तू कहीं काम करने मत जा, तू घर ही बैठा मिल मुझे, लेकिन मैं तुझे सब कुछ घर ही बैठे बैठे कर दूंगा, तू कहीं जाम ये कह रहा था, तू जो करना चाहे उतना करना, नहीं तो तेरे लिए सब कुछ मैं करके दूंगा, पर तू यही रह मेरे पास, बहुत प्यार है इसको उससे, आराम से ले जल्दी, वो तेरी वजह से, हमारी वजह से नहीं आ रहा, देख ले हमने तो खूब कह ली, नहीं वगैरह मैं कोई भी कहता नहीं आता भी पूरे ऊपर, अब ये इतना परेशान इसके साथ आके रहूंगा। रिकी के जाने का ना हमें भी बहुत दुख है, मतलब फैमिली में बचे ही कितने बताओ, फैमिली में मतलब अब सिर्फ गिने 4 लोग रह गए, उनमें भी आधे से ज्यादा इधर उधर रह रहे हैं, अब रिकी भी चला जाए तो हम क्या बचे, मैं और ये, और बस घर में एक यही दिखाई देगा, और तो कोई है नहीं, तो मतलब पहली बात तो पता है, हम तो बच्चों के सामने नहीं कह रहे, मन तो हमारे भी कैसा कैसा लगेगा, क्योंकि विकी तो ज्यादातर बाहर चला जाता है, विकी भी अपने पापा के साथ ऑफिस या अपनी इसकी अलग भी होती है मीटिंग, मेरा कैसा लगेगा ये देखो, ये तो दोनों फिर भी चले जाते हैं, मेरे को तो ये थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद में पूरा दिन रिकी होता था, कम से कम 6 बार ऊपर आता है, बातें करते हैं हम इसके साथ, घूमने चले जाता है, कहीं मार्केट चला जाता है, इसके रूम में बैठ, इसके पास बैठता है, इसको घुमाने ले जाता है, और देखो तेरा भैया, तेरा भैया कितना रो रहा है, मैं तो सुबह पहुंचा पहले तो यार हो रहा, मुझे देख फिर ना ये उठ के चला गया, मैंने क्या है क्या रे क्या क्या हो रहा, रिकी रिकी जा रहा है ना, और फिर अंदर बाथरूम में जाकर वॉशरूम में कितना रोया है खड़ा होके, मैंने अपनी जिंदगी में तो रोता हुआ नहीं देखा है, कुछ अंडा हुआ कुछ नहीं, पहले ऐसे भाग के आया, मिल जाती हुई, बहुत प्यार बचपन से, इन दोनों में बहुत प्यार है बचपन से, छोटे छोटे थे चाचा 5-5 साल के, तब से हर समय दोनों ही बस बात बचपन 4-5 साल के थे, जब तक बात बहुत बनाते रहे, बात बनाते रहते, इनकी कभी बात ही खत्म ना हुई, अभी भी नहीं आज होती, और अभी सास सास होते हैं, मैं ना मैं बचपन में समझ गया, तुमने क्या बात करी ना, समझ आते हैं बात क्या करें, हाँ हम भी सोचते हैं इतनी बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, समझ में नहीं, और मेन चीज क्या है,
हमारी बातों में कोई भी 100% इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ। किसी की बात नहीं, ना आपकी बात, आपकी बात, किसी की बात नहीं। आप भी नहीं पता नहीं क्या चलती है भाई, हम समझा नहीं सकते। अपनी राम का था खत्म लाओ थी तुम्हारी। चलो यही प्यार हमेशा बना रहे। अभी तो ये ऑफिस नहीं जा रहा आज मेरी वजह से, पर अगर ये जाता है तो फिर मैं पता क्या करता हूँ, 12 से 6 मुझे टाइम काटना होता है बस। फिर मुझे 6 बजे तक आ जाता है ये, फिर हम 15-20 मिनट गाड़ी में घूमने जाते हैं बस। उस 15-20 मिनट का मैं पूरे दिन इंतजार करता हूँ गाने सुनते हुए। अब तू तो वहाँ विदेश होगा बाहर कैसे, और ये यहाँ करेगा। मैं ज्यादा लंबा रुका तो मैं जाऊंगा वहाँ के लिए, तो वीजा भी नहीं चाहिए। 15 दिन बाद ही आ जाऊंगा। मैंने सुना हम भी चल रहे हैं एक बार ऐसा, अपने जब तू आएगा ना तो पता बेटा, फिर हम भी आ जाने। मेरे आंसर सुनने में आ जाने आप लोग। हां 3-4 साथ आ जाएंगे। फिर हम लोग चल, अभी तो बैंकॉक से आ रहा है ना पहले, ठीक है हम फिर वहीं आ जाएंगे। फिर हम तेरा परमानेंट सामान उठा लेंगे, दो तीन जगह का वीजा लगवा दे। अभी ना रिकी बिकी को तो ऑफिशियल मतलब अपने बिजनेस के कंपनी के उससे व्हाट्सअप करने पड़े करेंगे बाहर। आए मेरे को कहा तुम्हें विदेश घूमना पसंद है ना, काम से विदेश घूमने चाहिए। इसका 15-16 कंट्रीज से वो चलेगा मेरे हिसाब से। क्या भाई 15-16 कंट्रीज में टाई अप करना पड़ेगा, तो इसे बार बार जितना पड़े करेगा। अब ये काम यही करेगा ऐसा विदेश वाला। इसे अभी मैंने इतने पैसे दू, हर महीने 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में वैसे आ जाते हैं कितने सालों से। सुनो ये नया फाइनेंस नहीं आ रहा है, 2 लाख हो गए। हाँ। इसे कितने सालों से 1 लाख रुपए हर महीने तो खाने पीने का सब होना 1 लाख, इसको किस लिए मिलते हैं उसका कोई वो नहीं, वो एक्स्ट्रा में इसको कई सालों से। और अब क्या 2 लाख रुपए कर दो महीने के। चल अब तू आ जाए ना, फिर तो ना करूंगा वो तो, वो मान लो पॉकेट मनी है वो है। चलो तो सबके में ही आते हैं, सबके में ही डालता हूँ, तेरे में, तेरी मम्मी, चलो सबके में पढ़ते हैं, पॉकेट में सबको देता हूँ। चल किसी से कह रहा हूँ कोई हमारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, तेरे ढूंढा कोई कौन डाल देगा हमारे पैसे, तुम ही तो डालोगे, डालेगा कौन बीवी तुम्हारी बच्चे तुम्हारे डाले कौन। और अगर वो एक दिन में लेट हो रहा है कभी, और जो फोन कर जो और जो बच्चा विदेश में रहता कोई सा भी हो, चाहे हमारे चाहे सोनी रही है रही विकी रहा, जब बाहर रहता तब मैं पैसे की इन पर कमी नहीं रहने देता बिल्कुल। पता नहीं वहाँ क्या जरूरत पड़ जाए, क्या हो कैसे बच्चा होता भी तो क्या कई बार ना दब के दबा में पेरेंट्स से कम मांगने को सबसे पहले मैं 4-5 महीने के लिए गया था, तो 5 महीने से पूछे थे वो मतलब यहाँ से देखे बैठा कितने डर गाँव मैंने मजाक मजाक बोला। देखो मेरा क्या है, मैं हॉस्टल में रहा था, मैं महाराष्ट्र में पढ़ा था इंजीनियरिंग करने, हॉस्टल गया था तो उस समय तो खैर बहुत सस्ता टाइम था, तो मंथली हॉस्टल के उसके खाने के जैसे घर से बाबूजी पूछते थे कि धनल बाबूजी इस महीने 600 रुपए भेज देना, ठीक है। तो मुझे जब 600, 700, 800 की लगती थी ना, मुझे तब मैं 600 कहता था बाबूजी, इसलिए कहता था यार मैं कि बाबूजी है कोई ज्यादा आमदनी तो है नहीं, मेरे फादर टीचर ही थे और किसान ही का काम था, तो मैं कम की कोशिश करता था कम करे, तो मैंने टाइट करके जैसे वो कर लूंगा अलग। और बाबूजी भी हमारे यही करते थे कि मैं अगर 500 मांगता था ना तो वो 700 भेज देते थे, तो मैं समझता था इस बात को कि बच्चे जो हमेशा मैं अपने आप से समझता हूँ बच्चे हमेशा कम मांगने की कोशिश करते हैं कि माँ बापों को कहीं टाइट ना दे पड़े देना, तो ऐसे ही ये मांगते हैं, तो इसलिए जब ये 1 लाख मांगते हैं तो मैं इनको 1.5 लाख भेजता हूँ। और मैं खुद भी समझता हूँ इस चीज को, और बल्कि इनको तुम्हें तो 1.5 गुने था और सोनी में तो मैं दुगने दुगने बेचता था, दोनों बजे पड़ गए उसको भी विकी को भी, जैसे विकी था विकी की कोई चीज रिकी ले लेता था, तो हम रिकी अरे ते भैया के भैया एक इसे भी दे दे एक तू ले ले, तो विकी पता है बचपन से कैसा था, बाकी कह देता दोनों ले तो ले लें तो कोई बात ना है, कोई बात ना मेरा छोटा भैया, ये विकी पहले से ही ऐसा था, इसके लिए सब चीज अपनी सब चीज छोड़ दो। एक बार इसकी एक जगह कुछ लड़ाई हो गई थी, वो किसने कुछ खिलौना छीन लिया था, तू कहा फिर मैं ईंट मारने जा रहा था हाथ में ईट ले रही और चल विकी चल फिर दिलवा के लाया था मैं इसको। उनकी जो अम्मा थी ना बुढ़िया हाँ। बच्चे को गोदी में लेके बैठी जिसके लिए खिलौना इससे छीना था, उसे वैसे नहीं छीना था खिलाने के लिए बच्चे को, तो उन्होंने तो ईट लेकर ले भैया तू अपने खिलौने को ले जा, पर ईट मत मारिए हमारे लाल बच्चे लग जाए, ये ईट लेके पहुंच गया था छोटा सा था ये, ये तो 3-4 साल का ही हो गए। बहुत ऐसा था इनोसेंट सीधा सा चश्मा लगा हुआ था बचपन में चश्मा लग गया था, जैसे कहते थे ना विकी ने और ये सब चीज इसकी छीन लेता था, विकी कहता कोई बात ना मेरा छोटा भैया है ऐसा, जैसे शीरो ऑस्कर है, शीरो छोटा है नहीं ये पेशेंस तो देखो विकी में पहले शीरो सारे गुड्डे खा लिया है, ऑस्कर अगर दो आएंगे तो पहले अपना ले जाएगा फिर ऑस्कर जब ले जाएगा, तो मैं ऐसे शीरो रहा था इसकी लाइफ।
पप्पू जो आएगा आज शाम को। चल जल्दी आ रही है, अब भी जल्दी आ जाएगा, अब जल्द आ रही हूँ, टाइम सही। खाली टाइम तेरा ये कभी कुछ रील, कभी ब्लॉग, कभी यहाँ कभी वहाँ शूटिंग। ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करवाई थी मैंने, बोल के बिजी रहो इसलिए। और सुन वो भी तो, और सुनो वो आ जाएगी कुछ दिन को भी। अब मैं कुछ दिन के लिए सैंडी को बुला रही हूँ, अभी मैं अकेली होगी कुछ दिन के लिए। अब मैं सैंडी को बुला रही हूँ कुछ दिन, आज ही कॉल करती हूँ, मन की भगी चली आई क्योंकि मैं जाती हूँ, ये जा रहा है, पूरे दिन मक्खी मारूंगी मैं, सैंडी आ जाएगी उसको। नहीं तो सैंडी तो यहाँ काम भी चल रहा है ना, वो तो वैसे भी आएगी है, क्यों काम इतना तेजी से ऑफिस में रहेगी, मेरी हेल्प करेगी वीडियो में। ठीक है ठीक है, तो तू तो यही है अभी, दो दिन में चढ़ के मेरे ऐसे बैठ जाता है, ऑस्कर के लिए कोई हो जाएगा, और ऑस्कर को वैसे बहुत पसंद है, वो दिन भर उससे दिन भर एक ही है लो। एक ही है, गाड़ी में जैसे घर के बारे चार पास रहते हैं, वहाँ भी कोई टाइम रहेंगे, हमारे हमारे हर प्रॉपर्टी वहाँ चार पास रहते हैं, अपनी किस्मत का खाते हैं सब, कोई किसी का नहीं खाता, चार पाँच तो बाहर रहे हैं, यहाँ तो छोड़ो देखिए मेरी ब्लैक ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छी लगती है ब्लैक, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट चप्पल आज मुझे अभी दो तीन पहननी है, एक और पहननी है। नहीं क्यों, मैं तो पहले दे चुकी हूँ। कौन सी? अभी अभी मैं तीन दी तो तीन दिखाना काम बिगाड़ा, वापस तो ले सकती हूँ, मैंने डलवा दी तो एक और वापस अकाउंट में कर सकता है ना, एक और दो अकाउंट में कर सकता एक आप है। आप सुनो देखे पाई कौन होती है, फिर एक पाई लेंगे, कैसा प्लान है? हाँ देखो मेरी ड्रेस आधा आधा कर लेंगे, ये देखिए मेरी वेस्टर्न ड्रेस, मेरी मतलब ये काफी दिन से रखी है, अभी मेरे कपड़े निकल रहे हैं ना, तो ये दो साल से रखी है, पैक हुई जब से आई है, मैंने एक बार नहीं पहनी, तो देखिए आज मैं पहनी ये सिल्वर सुंदरी, ये ऐसी ब्लैक एंड सिल्वर, और देखो आज मैंने सिल्वर ये जूती पहनी है, देखिए हम लंदन कैसे साल पहले गए, आज ये मैंने पहली बार पहनी है, लंदन ली थी, ये मैंने लंदन में ली थी, और ये मतलब कितनी अच्छी है, लेकिन आज भी तक कितनी अच्छी रखी है मेरी पैकिंग ही, आज खुली है और ये इतनी कंफर्टेबल है, बाकी ऐसी जूती मुझसे पहनी नहीं जाती है, इन्हें पहन के कितना भी मैं मतलब 8 घंटे 12 घंटे पहन सकती हूँ, वेस्टर्न साड़ी पहनी हुई है। एक और चीज की नहीं हुई मुझे, वो पैसे देने वाली, चल अभी ना मुझे भूल गई मैं, एक आपसे लूंगा, एक पाई से विक्की से पीटीएम कराऊंगा, सैंडी ये व्लॉग देखते ही अगर मेरे पास पेटीएम का मैसेज नहीं आया। सैंडी मैंने सुना आजकल तू पेटीएम नहीं कर रही है, और सारी ऑडियंस भी करेगी सब लोग 10-10 रुपए भेजो मुझे, माला माल कर दो, अब जैसे मैं मम्मी भाई को ठगता हूँ, अब मारी है बम्बू की दुनिया की जितने लोग देख रहे हैं डेली मुझे 10 रुपए भेजो, मेरी लाइफ से जनता की ऐसे भी तो बात मान, कैसी ऐसी सब कह रहे हैं कि जाना नहीं है तुझे, फायदे वाली बात मानी जा, ये भी तो फायदे की है क्या? ओए ओए, बाबू के पास, तो ये देखिए अभी मैंने पहनी है चौथी ड्रेस, आज अपने कुछ रील बनाई है, ब्लॉग वो बनाई है, रील्स बनाई है, ब्लॉग बनाया है, और ये मैंने पहना स्केलेटन, कैसा लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताएं, स्केलेटन मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, ये लॉन्ग वाली स्केलेटन और शॉर्ट टॉप, एक भी नहीं बनाई, मनी ना भर रहा आपका, वॉक ना करी आपका, तो मैं ना भर रहा, तीन डील बना मेरे तेरा के, अब बिके आप तो मैच नीचे, अरे वाह फिर ये मेरा प्लेन, फिर ये प्लेन आ जल गया, इसमें जरूर जान जी क्या ना बिके, देख इतना अच्छा मैचिंग, वाह ये कौन सा टॉप ले जाऊंगा, आया कब पहली बार, कौन सा कैसे चल लूंगी और वीडियो बना, अब हम जा रहे हैं घूमने पूरा राउंड लगाने बच्चों के, जैसे बच्चे जा रहे हैं पीछे पीछे भागे, आज रिकी तो जा रहा बैंकॉक, तो शाम को भी निकल जाएगा 2-3 घंटे बाद, तो तब तक एक बार सब लोग घूमने जा रहे हैं, मैं बिकी उसकी मम्मी, आ जाएंगे रिकी हमारा आज जा रहा है
ठीक, तो रिकी ने सुबह कहा था कि एक गड्डी पापा से चाहिए, एक मम्मी से चाहिए। ये भी एक रीजन है मैं इतना बाहर क्यों जाता हूँ। हाँ यही रीजन है। और सुनो, जब एक हफ्ते में मेरी जरूरत हो, बता, वो कुछ काम है ना, मैं आ जाऊंगा, दो दिन में फिर चला जाऊंगा। ले 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 लुटेरे। हाँ, और पता है क्या कह रहा है, एक हफ्ता बाद अगर जरूरत पड़े एक दिन के लिए तो आ सकता हूँ। फिर पता क्या करेगा, एक दिन के लिए आएगा, दो गड्डी फिर मांगेगा। ना ना ना, ऐसी जरूरत मुझे बता देना, ठीक है? कहीं तुम्हें असाइनमेंट होने हो, मैं एक फोन पे अगले दिन फास्टेस्ट टिकट करके यहीं मिलूंगा, सबसे नजदीक वाली फ्लाइट पकड़ूंगा। चलो हनुमान जी के दर्शन, चलो मंदिर, चलो मंदिर चल रहे हैं पहले। चलो भाई आ रहे हैं। तो बोले तो अपुन भी एक छोटे मोटे बिजनेसमैन है, आपने देखा है। आ जा रही हो मंदिर चलना तू पहले। वो यो मैं तो मंदिर में बैठा जैसे जो भी मेरे डायलॉग होंगे मैं खुद शॉर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, वाले क्लिप्स फिर आप फिक्स कर देना, उन्हें बन सकता है ना ऐसे। क्योंकि अभी भी जो मेरी होती है मोस्टली से मेरी होती है ना, अब मम्मी उसमें दिखे या ना इतना मैटर नहीं करता। उस दिन पहले चले गए और तो मिल गए ना सबका। शांति मिली वहाँ पे जाके, वो मेरे बिल्कुल कान में था, वो स्पीकर देखा था रखा हुआ, वो जितने देर उसमें भजन चल रहा था उतनी अच्छा लग रहा था। और भाई ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप भूल रहे हो ब्लॉग तो देखते हो। अच्छा एक काम करा करो, आप ब्लॉग देखने से पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो।